रवि सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों को धमकी दी गई है बम से उड़ाने की। इमेर में गाजियाबाद, मेरठ, शामली सहित करीब 7 रेलवे स्टेशनों को अगले 72 घंटे के भीतर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल के बाद जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ATS और IP समेत तमाम जांच एजेंसियों को इसकी सूचना दे दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, GRP और RPF को भी सूचित किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। यह ईमेल किसकी तरफ से भेजा गया है इसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। इसमें किसी संगठन का नाम नहीं लिखा है। ईमेल से धमकी देने वाले ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ऐसा ही धमकी भरा पत्र रेलवे अधिकारियों को भेजा गया था। लोकसभा चुनाव के बीच इस तरह का मामला एक गंभीर मुद्दा है। ATS साइबर कैफे और सर्विलांस टीमें जांच कर रही हैं। पता लगाया जा रहा है कि ईमेल किसने और कहां से भेजा है। इसके अलावा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का सहारा भी लिया जा रहा है। गाजियाबाद में भी साइबर एक्सपर्ट, सर्विलांस सेल और खुफिया एजेंसी इसकी जांच कर रही हैं। तो देखने वाली बात होगी कि UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर क्या सख्त कदम उठाएंगे। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे न्यूज़ इंडिया पर। धन्यवाद।